चलिए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। आज का टॉपिक का नाम है दशमलव। हम लोग को जो पढ़ना है उसका नाम क्या है? दशमलव। क्या पढ़ना है? दशमलव। इसी को हम पॉइंट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। देखिए सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, मेरा अलग है। दशमलव हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। दशमलव जुड़े हुए बहुत सारी बातें भी हम लोग जानेंगे क्या चीज है जी। इसे डेसिमल भी कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। इसे हम पॉइंट कहते हैं। हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। दशमलव किसे कहते हैं या इसका डिफिनेशन नहीं पढ़ना है आपको, डेफिनेशन याद करना है। अभी मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए आराम आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आइए सबसे पहले दशमलव में प्रकाश डालते हैं। हमने लिखा दशमलव, डेसिमल इसे हम पॉइंट भी कहते हैं। यह किसी भी स्थान को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उन तथ्यों को प्रकाश डालें, क्योंकि हम पूरी तरह ट्रिकी पढ़ाएंगे और जब ट्रिकी पढ़ाएंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे इसे यहां पे दे दिया जाए 0.5, बात समझिएगा 0.5। यहां पे हमने दे दिया 0.50, यहां पे दे दिया हमने 0.500। अगर मैं पूछूं इनमें से सबसे बड़ा कौन है तो आप क्या जवाब देंगे, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, कमेंट करके आप अपने जवाब दीजिएगा। बताइएगा इसमें सबसे बड़ा कौन है। जी हाँ, सब बराबर है। ना ना ना, ना। देखिए इसको हम लोग को चेंज करना है। अब हम लोग यहाँ से एक चीज सीखने जा रहे हैं, वो सीखेंगे ये कि किसी भी दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाए, किसी भी दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाए। जरा कमेंट करके बताइएगा किसी भी दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। एकदम आसान तरीका, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 0.6। अगर इसे हमें भिन्न में बदलना हुआ, चेंज टू फ्रैक्शन करना हुआ डेसिमल को, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जहाँ दशमलव होगा उसकी जगह हम लिखेंगे एक, उसकी दाईं तरफ जितनी संख्या होगी उतना जीरो बढ़ा देंगे, और ये अभी कट के छोटा होगा तो हो जाएगा कितना, 3/5। क्या हो जाएगा? 3/5 होगा। क्या होगा? 3/5 होगा। एक बात, दूसरी बात के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इस टॉपिक को हम लोग पूरा क्लियर करते हैं। यहाँ हो जाएगा ये 0.5 है, 0.5 इसे लिख सकते हैं हम 5/10 लिख सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा जहां पे दशमलव उसके जगह है उसकी दाईं तरफ जितने नंबर होंगे उतने जीरो ले सकते हैं। ये हो जाएगा आपका, अभी भी डिवाइड करेंगे ये 5 1 5 5 2 10, ये हो जाएगा आपका 1/2। समझ में आया? दूसरी तरफ बढ़ेंगे हम, यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी 50 हुआ, 50 के बाद जहां दशमलव वहां पे एक लिखेंगे, दाईं तरफ दो अंक है, 2 जीरो बढ़ा दिया। ठीक, अब देखिएगा 0 से 0 कट गया, फिर 5/10 बचा, 5 1 5 5 2 10, फिर क्या बचा, 1/2। फिर यहाँ देखिएगा यहाँ 500 लिखा हमने, दशमलव जगह एक लिखा, दाईं तरफ 3 अंक है, 3 जीरो लिख दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 1 का 5 5 2 10, 1/2। हमने एक चीज यहाँ से सीखा कि दशमलव से भिन्न में कैसे बदलते हैं, एक बात। दूसरी बात हम लोगों ने सीखा कि किसी भी जो भिन्न होता है उन भिन्न को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, हम दशमलव की किसी संख्या के बाद चाहे जितना जीरो बढ़ा दें उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। बात को समझिएगा, उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती चाहे जितने जीरो लगा दें। जैसे अगर हम यहाँ पे ये लिख देते हैं 0.5 के बाद, क्या इसकी वैल्यू में कोई अंतर आता? कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या ऊपर लिखे गए जो संख्या है इनके वैल्यू में क्या कोई अंतर आता? जैसे यहाँ पे है, यहाँ ये है, ये है, ये है, क्या इनके वैल्यू में कोई अंतर आता? जी नहीं। मतलब हमने एक बात यहां से सीखा कि दशमलव के बाद यदि कोई डिजिट है, कोई नंबर है, उसके बाद आप चाहे जितना बढ़ा के लिख दीजिए उसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां से आप चाहे तो इस पेज को सुरक्षित अपने पास रख लें, चाहे तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या क्या हमें मिलेगा।
फिर आगे हम लोग को पढ़ना है कि दशमलव के पहले, जैसे यहां पे है 0.5, 0.5 को ये देखिए, 0.5 कभी कभी इसका हम लोग लिखते हैं 0.5, पता है क्यों? इससे नंगा नहीं रखते, इसके लिए कपड़ा पहना देते हैं ताकि ये समझ में आए ये पॉइंट है, ये भी सही है ये भी, दोनों इक्वल है, लेकिन शुद्ध तरीका ये लिखने का है। ये क्या है? सबसे शुद्ध तरीका लिखने का है, ये प्योर तरीका है लिखने का। फिर दूसरा, हम 0.05 इसकी वैल्यू में कोई, लेकिन अगर हम यहां पे 0.5 के बाद अगर हमने 0 लिख दिया, क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा? क्या इसके मान में, क्या इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन होगा? बताइए, क्या इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग होगा? नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने, हमने देखा कि यहां पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये शुद्ध रूप से लिखने का तरीका था, वो मैंने आपको बता दिया। हमने यहाँ पे क्या क्या चीज देखी? पहले यहाँ पे हमने ये देखा दशमलव क्या है, उस दशमलव के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे उनको कन्वर्ट करके, डेसिमल को हमने करके दिखा दिया आपको कैसे ये डेसिमल में कन्वर्ट होगा। ठीक, यहां से कोई डाउट, कोई समस्या आपको? कोई डाउट नहीं ना, कोई समस्या? चलिए अब हम और आगे बढ़ेंगे। अब हम इसी के आधार पर हम कुछ प्रश्नोत्तर को भी हल करेंगे, आइए उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहां तक क्लियर हुआ ना? यहां से कोई डाउट नहीं है ना आप लोग को? अब निए गए दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट करिए। अब हम यहां से प्रश्न देंगे, दशमलव को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलिए, दशमलव को भिन्न में बदलिए। आइए हम लोग कुछ सवाल लेते हैं और आप उसको बदलिएगा। 0.73 को बदलिए, 0.567 को बदलिए, 0.832 को बदलिए और 5.62 को बदलिए। आप लोग क्या इसे, सभी लोग इसे कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन? जरा कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। आप लोग कमेंट करके कि आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे। बताइए आप लोग कमेंट करके जो लाइव हो, क्योंकि देखिए पूरी सीख जाएंगे अब, क्योंकि एकदम पूरा बेसिक पढ़ा रहे हैं। बताइए जी, लगभग आपके सही आ रहे। देखिए हमने एक तरीका होता है इसका चेंज करने का, जहां पे दशमलव उसकी जगह एक लिखते हैं। बात को बारीकी समझिएगा, जहां से दशमलव है उसकी जगह पे हम एक लिखते हैं। जैसे ये है 73, दशमलव जगह एक, उसके बाद जाए तरफ जितने अंक उतने जीरो, यहां पे भी लिखेंगे 567, दशमलव है वहां पे एक, उसके बाद एक दो तीन अंक है, 3 जीरो कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहां पे देखिएगा 832 लिखेंगे, दशमलव की जगह एक लिखेंगे, उसकी दाई तरफ जितने नंबर हैं, एक दो तीन, 3 जीरो, मतलब जितने अंक होंगे उतने लड्डू बढ़ा दीजिएगा। ये हो जाएगा 56/10, जगह एक, एक अंक है, 1 जीरो, 56/10। ये सब कट के छोटा होंगे, काट के छोटा कर सकते हैं आप, डिवाइड करके छोटा भी कर सकते हैं। बस मैंने ये बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक, कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत, कोई समस्या समझ में नहीं आया? आइए हम एक सवाल और लेते हैं, और हम सवाल ले लेते हैं।
अगला सवाल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 73.62 को, इसे कन्वर्ट किसमें करना है, इसे आपको चेंज करना है, ये है आपका डेसिमल में, इसे फ्रैक्शन में चेंज करिए। फ्रैक्शन में चेंज करिए आप लोग, फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए कैसे फ्रैक्शन में चेंज होगा। इसे चेंज करना काफी आसान है, मतलब अगर आप चाहेंगे तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, इसे हम 73 लिखेंगे, 62 लिखेंगे, फिर जहां पे पॉइंट है उसका 1 लिखेंगे, उसके दाईं तरफ जितने नंबर होंगे उतने जीरो लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 7362/100 काट के छोटा कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ये यहां पे दे दिया जाए 9 3 7 4 1 5, इसको चेंज करना है तो सीधा हो जाएगा यहाँ पे 415, पॉइंट की जगह पर 1 लिखेंगे, उसके दाएं तरफ जितने नंबर हैं उतने जीरो बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा। अभी काटेगा तो काट के छोटा कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक, वो आपके ऊपर है, काट के छोटा कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना, समझ में आया, क्लियर हुआ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आपके, नहीं हुए आगे देख लेते हैं एक दो सवाल और। इसे चेंज करिए, कैसे चेंज होगा, ये हो जाएगा 37 37 2 10 जगह 1, दाई तरफ 3 अंक 0, बस आंसर। ठीक, अगले पेज पे चले, यहां पे दे दिया जाए जैसे 0.0003, इसे कन्वर्ट करिएगा फ्रैक्शन में, कन्वर्ट करके बताइए क्या होगा। जी हाँ, सही बताया आपने, यहाँ हो जाएगा 3 पूरे का बटा 1 2 3 4 अंक है, 10 लगा दिया, जितने अंक है उतने 0, बस ये हो गया आंसर। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाए। किसी भी भिन्न को दशमलव में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए उसकी हेडिंग बनाते हैं। भिन्न में बदलना, ठीक, अच्छा तो हो चुका, तो भिन्न को दशमलव में बदलना है, रुक जाइए, भिन्न को दशमलव में बदलना, भिन्नों को दशमलव में बदलना, जैसे यहां पे दे दिया जाए 3/10, इसको दशमलव बदलिए, कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, जी हाँ, यहां पे लिखेंगे हम 3 है, एक अंक दशमलव लगाना है, 3.0, 3 के बाद भी दशमलव लिख सकते हैं, मतलब यहां इस तरह से भी इसका आंसर सही है, ये भी आंसर क्या है, सही है, ठीक। 577/10, बताइए चेंज करिए,
जी हाँ, मतलब आप लोग को समझ में आ गया है। जी हाँ, आंसर क्योंकि 0 1 अंक है, जितना लड्डू उतने में दशमलव लगेगा, याद रखिएगा, जितना लड्डू रहेगा एक के बाद एक रहना चाहिए, उतने अंक पे दशमलव आपको लगा देना। कोई दिक्कत किसी को? जैसे आप हैं, बताइए क्या होगा इसका, कंट्रोल करके बताइए आप लोग। पहले समझ लीजिए, अभी दशमलव पूरा सीख लेंगे तब तो प्रश्न देंगे, अभी इतना आसान नहीं। पहले हम आपको प्रश्न ही दे दिया जाए, इतना आसान मत समझ के रखिएगा दशमलव को। हाँ, दशमलव उतना आसान नहीं जितना हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 8। देखिए 3 है, 3 अंक पर दशमलव, मतलब यहाँ दशमलव लगेगा 3 के बाद, और 3 के बाद दशमलव लगेगा, 7 2 4, ये हो गया। अब बताइए जरा। चलिए अब बताइए क्या होगा, इसको बदलिए। जी यहां पे देखिए 1 2 3 4 अंक, 4 अंक पर दशमलव लगानी है, ये 3 अकेला है, 3 को हम लिख दिया, तो कितना अंक लाना होगा, 1 2 3 4 अंक पर दशमलव लगाना है, लगाएंगे 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4, नंगा नहीं छोड़ते, इसे कपड़ा पहना देंगे। इसका आंसर क्या होगा? ठीक, 16/10,000। इसको चेंज करिए, बताइए क्या होगा। देखिए 2 तो 4 अंक है, यहां 2 अंक है, 10/4 अंक लगेगा, तो हम लिख देंगे 16, 1 अंक 2 अंक 10/, ये इन्होंने बताया सही था। ठीक, यहां तक अगर आप लोगों ने सीख लिया, अब आगे हम लोग दशमलव से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों को पहले पढ़ेंगे। जब तक कॉन्सेप्ट के लिए, देखिए सवाल लगाना आसान नहीं है, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, किताब किसी बुक से सवाल लगाइएगा, किसी भी किताब से प्रश्न हल करिएगा, आपको आसानी से उत्तर उसके मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारे सामने का पेज आ चुका है, अब इसी पेज को हम लोग को पढ़ना है, हल करना है। कह रहा है कि जब किसी भिन्न का हर 10 या 10 के घात के रूप में होता है, ऐसे भिन्न को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2.10 है, लिख सकते हैं 0.2, यहाँ 1.100 है, से लिख सकते हैं 0.01। अब हम लोगों ने सीख लिया है, फिर दिया है दशमलव को एक बिंदु द्वारा लिखा जाता है। दशमलव कैसे होता है? एक बिंदु के द्वारा लिखा जाता है। फिर हमने कहा सामान्य भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे लिखते हैं, अगर कोई सामान्य भिन्न है उसे दशमलव भिन्न में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हमने देखा, यदि भिन्न का हर 10 या 10 के घात के रूप में हो तो अंश के दाएं और बाएं और उतने के बाद दशमलव दे देते हैं, और वह 10 की घात होती है। वो क्या होती है? 10 के घात के रूप में होती है। जैसे यहाँ पे देख दिया, इसको दशमलव बदलना, देखिए हम लोगों ने दे दिया। ठीक, यहाँ पे भी हम लोगों ने इस तरह के प्रश्न को हल किया है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, यदि भिन्न का हर 10 या 10 के घात के रूप में ना रहे तो उसके हर को किसी संख्या से गुणा कर 10 के घात रूप में लिख लें, पुनः सहायता से हल कर सकते हैं। आइए इसके बारे में हमें जानते हैं कि कैसे हल करने की, हर को 10 या उसकी घात के रूप में लाने के लिए जितना गुणा करना पड़ता है उतना अंश से। जैसे यहाँ पे दे दिया था कि 444 है, ठीक है, 444/50 है, इसको क्या करेंगे, अगर हम ऊपर नीचे दोनों को 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 88/100 हो जाएगा। 88 को लिख सकते हैं 0.88, लिख सकते हैं कि जैसे ही 100 के रूप में हो गया। मतलब हम प्राय ये भी प्रयास करेंगे कि कभी कभी हल करने के लिए हम लोग
दशमलव संख्या का भी यूज कर सकते हैं ताकि आसानी से हल हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा यदि भिन्नों के हर को 10 के घात के रूप में लाना कठिन हो तो भाग विधि से लेते हैं, लेकिन अगर उसे दशमलव में लाना कठिन हो तो हम उसे भाग देकर भी लाते हैं। जैसे अगर दे दिया जाए 2/5, 2/5 को दशमलव में बदलिए, कैसे बदलेंगे ये देखते हैं। अगर आपको आ जाए कि 2/5 को दशमलव में बदलिए, दशमलव में बदलिए, कैसे बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे 5 से 2 में भाग देंगे। जी जी नमस्ते, 2 से भाग देंगे नहीं जाएगा, यहाँ पे पहले 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 0, 5 × 20 तो क्या हो जाएगा इसका 0.4। जैसे अगर दे दिया जाए 1/8 को दशमलव में बदलिए, 1/8 को दशमलव में बदलिए, 1/8 को दशमलव में बदलिए, एक बटे आठ को दशमलव में बदलिए, कैसे बदलेंगे। हम क्या करेंगे यहां पे 1 में 8 से डिवाइड करेंगे, 0 पहले लिख देते, कोई वैल्यू नहीं होती, 0 लिख देंगे, चलिए अच्छा लगा। तो यहां पे हमने 0 बढ़ाया, दशमलव बढ़ाया तो 1 0 उतरेगा, ठीक, तो 8 × 1 = 8, 2 बचा, ठीक। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 उतर सकता है, फिर 8 × 2 = 16, 4 बचा, फिर हो जाएगा, फिर 8 × 5 = 40, फिर हो जाएगा 0.125, ठीक। इसका आंसर क्या होएगा 0.125, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, देखिए अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि किसी भी, जैसे अंश को भाज्य के रूप में लिखकर हर को भाग दे देते हैं, जैसे 4/5 था, 7/4 है, 7/4 को दशमलव लिखिए, तो आप 7/4 को दशमलव लिख के दिखाइए, 7/4 को दशमलव लिख के दिखाइए आप लोग, तब तक तो 7/4 को दशमलव में लिखिए। हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि यहाँ पे एक बात हम लोग को सीखने को मिला, क्या मिला कि यदि अंश हर से छोटा हो तो भागफल सर्वप्रथम बिंदु दशमलव डालकर, देखिए यहाँ पे 5 था, 8 लेना था, तो 5 × 8 = 40, खत्म, 8 आ गया। लेकिन अगर यह कंडीशन इस तरह से हो, यदि ऐसा करने के बाद भिन्न पूरी तरह से ना घटे, शेषफल क्रमशः 0 डालकर हल करते, जैसे यहाँ पे था 4 से भाग देंगे नहीं जाएगा 3 में, जैसे ये था, अगर हम 4/3 करते हैं, ठीक, तो क्या करेंगे, 0 दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 4 × 7 = 28, ठीक, यहाँ माइनस होगा 2, 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक। तो मैंने अभी प्रारंभ में हम लोगों ने आज पढ़ लिया था, दशमलव को नंगा नहीं रखते, जैसे हम यहाँ 7.5 है तो दशमलव 7.5 में लिखे 0 लिखेंगे, 0.7, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहले सीख लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा यदि अंश हर से बड़ा हो तो पहले साधारण भाग में सरल कर ले, अब शेष भाजक से कटना बंद हो जाए तो भागफल बाद में दशमलव डाल दे, जैसे यहाँ पे दिया था 7/4 को आप लोगों ने सही बताया था कुछ देर पहले आप लोगों ने, तो क्या किया हमने, ये हो जाएगा 4/7 / 4, 4 से भाग जाएंगे, 4 × 1 = 4 तो चला गया, बचा 3, अब नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 आएगा, 4 × 7 = 28, फिर वही हो जाएगा 5, तो आप लोग का जवाब क्या था, सही था, आप लोग जवाब क्या थे, आपस में सही थे। ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने सीख लिया और ये भी आप लोगों ने जान लिया। आगे हम लोगों ने देखा दशमलव भिन्न के प्रकार क्या क्या, जब किसी भी दशमलव को हल किया जाए और कुछ दिन जाने के बाद वो दशमलव हल हो जाए तो उसे कहते हैं शांत दशमलव, क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहा जाता है। कौन सा दशमलव कहते हैं उसे, हम शांत दशमलव के नाम से उसे जानते हैं। वैसा भिन्न जिसे दशमलव भिन्न में परिणामित करने पर एक निश्चित अंश के बाद अंकों का आना खत्म हो जाए, उसे हम शांत दशमलव कहते हैं।
अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो सांध दशमलव था, क्या था? सांध दशमलव के प्रकार थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आवर दशमलव, इसे आसान दशमलव कहते हैं। जैसे 1/3 को दशमलव में बदलिए आप लोग, तो 1/3 को दशमलव में बदलिए, 1/3 को आप सभी लोग दशमलव में बदलिए, तो जितने लोग लाइव है, जरा दशमलव में बदले। बड़े तीन को सभी लोग दशमलव में बदले। हाँ, हमने ये देखा कि 0.3 के बाद लगातार इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, माने से कोई सीमा नहीं है कहां तक जाएगा ये, कोई निश्चित सीमा नहीं है कहां तक ये हल होगा। इस दशा में हम क्या करते हैं, इस 0.3 के ऊपर बार लगा। बार ये बात बताता है या स्पष्ट करता है कि जिस संख्या के ऊपर बार लग जाता है उसकी लगातार पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। इससे एक बात आपका स्पष्ट हुआ, क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। ठीक, आगे बढ़े। यहां पे है, जब दशमलव भिन्न आवर्त दशमलव के रूप में आए तो उसे हम देखिए तीन के ऊपर यहां बार लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। जैसे यहां पे प्रश्न था आपका 100/12, जरा आप बताइएगा 100/12 क्या होगा, आप जरा कमेंट करके बताइएगा कि 100/12 को दशमलव में कैसे व्यक्त करेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 100/12 को कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप लोग तब तक। तो हमने ये पाया कि 8 दशमलव के बाद इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ 8.3 के बाद, 8.3 के बाद तीन की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। जब तीन की पुनरावृत्ति होगी इसे लिख सकते हैं हम लोग 8.3 के ऊपर बार। क्या लिख सकते हैं? 8.3 के ऊपर बार। इस बात को समझ लीजिएगा, इस बात को पूरी तरह से आप स्पष्ट कर दीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट? अब यहाँ पे हमने देखा कि जब किसी भिन्न दशमलव में परिणाम करने पर शांत दशमलव आवे या ना ही आवर दशमलव आवे तो ऐसी संख्या को अशांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। अथवा जब दशमलव निरूपण के पश्चात ना ही अंक आवर्तित हो ना ही पूरी तरह से खत्म हो तब उसे आसान दशमलव कहते हैं। जैसे अगर करणी में 2 को हम लोग हल करेंगे 1.41414 इस तरह से क्या होगी? लगातार बढ़ता जाएगा। इसे क्या कहेंगे? इसे भी हम आसान दशमलव कहते हैं। मतलब जब जिस संख्या का वर्गमूल पूरी पूरी संख्या ना आता हो ऐसी सारी संख्याओं को दशमलव निरूपण आसान दशमलव कहते हैं। और ऐसी संख्या को ऐसे इसको अपरिमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, लिख लीजिएगा। अपरिमेय संख्या के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? अपरिमेय संख्या के रूप में जाना जाता है। यहां तक किसी कोई डाउट कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिए ताकि हम लोग और आगे बढ़ सके। अब हम लोग देखेंगे कर्णी में 2 कमान। जब कर्णी पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे कर्णी में 2 कमान कैसे निकालते हैं। ये भाग विधि से निकलता है। ठीक है, इस तरह से भाग विधि से इसको निकाला जाता है। इस तरह से 2 कमान निकाला जाता है, 0 बढ़ाकर फिर यहाँ पे लगाया जाता है, 1 कम 1 बढ़ जाएगा, फिर इस तरह से लगेगा। मैं आपको बताऊंगा जब आएगा समय तब। अभी दशमलव पढ़ रहे हैं ना। दशमलव में किसी संख्या को परिणाम कर देने पर बात शून्य डाल दिया जाए तो उसका मान परिवर्तित नहीं होता। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था 4.2 है, 4.20, 4.200 सभी मान एक समान है दशमलव के बाद। जैसे कि देखिएगा हम लोग आज की क्लास में देखिए पहले पेज पर हम लोगों ने यही पढ़ा था, पेज नंबर 1 पे हम लोगों ने यही पढ़ा था कि दशमलव के बाद अगर कोई 0 रखता है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे जितना दशमलव लगा सकते हैं चाहे जितनी दशमलव हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहां पे हमने देखा
दशमलव भिन्न को समान भिन्न में कैसे बदलते हैं? हम लोगों ने क्या देखा, जो दशमलव भिन्न होते हैं उन्हें समान भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये मैंने आपको अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। ये हमने कहाँ बताया था, देख लीजिए, दशमलव को कैसे भिन्न में बदलते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, हमने यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्या किए थे आपके, क्लियर कर दिए थे, किसी भी दशमलव को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट करके। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, क्लियर है ये, सभी क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि आवर्त दशमलव, यदि दशमलव को ये लिखा हो तो उसे कैसे भिन्न में बदलते हैं, ये मैं अभी ट्रिक में पढ़ा दे रहा हूँ पूरा पूरा। किसी भी अशांत दशमलव को, आवर्त दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, मैं पढ़ा दे रहा हूँ अभी जस्ट, लेकिन अभी देख लेते हैं आगे क्या टॉपिक है, उसके बाद हम लोग पढ़ा देते हैं। आइए पहले हम आपको यही पढ़ा देते हैं, मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है, मैं दोबारा रिविजन कर दे रहा हूँ। आवर्त दशमलव को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, आप लोग तैयार है पढ़ने के लिए, जो लाइव पर जरा कमेंट करके बताइएगा ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा आज आपका क्लियर कर दें। जैसे जैसे यहां पे दे दिया जाए, एक बटा तीन को दशमलव में लिखिए, कैसे लिखेंगे आप, आपको पता चलेगा 0.333333, ये तीन क्या हो रही, पुनरावृत्ति हो रही। इसे हम कैसे लिखते हैं, 0.3 के ऊपर बार लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तीन के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक, अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि इस निम्नलिखित को 0.3 के ऊपर बार है को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए, कैसे बदलेंगे, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, कैसे भिन्न में बदलेंगे, काफी आसान तरीका है। ध्यान दीजिएगा, जितने अंक पर बार होगा उतने का बटा 9 लिखेंगे, हम लोग ये नियम नहीं लगाएंगे, एक्स वाई वाला ये सारा नियम हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये एक्स वाई का गुणा वाला नियम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक नियम पढ़ेंगे यहाँ पे सीधा शॉर्टकट वाला, 3/9 लिखेंगे, डिवाइड होगा 1/ आंसर। ठीक, समझ आया किसी को, अगर ये दे दिया जाए 0.4 के ऊपर बार है, तब 4 के ऊपर बार है तो 4/9, 0.7 के ऊपर बार है तो 7/9, अगर 0.35 के ऊपर बार है तो 3/5, समझ आया, कोई दिक्कत किसी को यहां तक, अगर 12 है 1-2, जितने अंक के ऊपर बार है उतना 9 लिख देंगे, इस पे क्या लिखेंगे, जितने अंक के ऊपर बार होगा उतना 9 लिखेंगे, हो जाएगा आपका 12/99, 3 से काटेंगे तो 3×4=12, 3 से काटेंगे 33, 4/33 क्या हो गया, 4/33। ठीक, ठीक क्या हो जाएगा, 4/33 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हमने देखा 0.356 इनके ऊपर बार है तब क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, ये सीधा सीधा हो जाएगा 356/, ठीक
किसी ने भी कमेंट किया अगर 2.4 के ऊपर बार है तब 2 सही 4/9 एक लाइन में, 2 सही 4/9 एक लाइन में आपका आंसर। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2+4/9 = 2 सही 4/9, ये दोनों तरीका आपके लिए, जो समझ में आ जाए वो तरीका यूज कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? डिवाइड होगा काट के छोटा भी कर सकते हैं। 0.7358 पूरे के ऊपर बार है, ऐसे लिखेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? कोई डाउट बताइए, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन अगर इस तरह के प्रश्न में यहां पे दे दिया जाए सैतीस दशमलव चार तीन के ऊपर भार है, कैसे हो गई? सैतीस सही 43/99, ठीक। ऐसे भी इसको लिखने का तरीका ये है, 37+43/99 फिर 37 सही 43/99। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अगर डिवाइड होता तो काट के छोटा कर लेते, लेकिन छोटा नहीं होगा, छोटा होता तो काट के छोटा भी कर लेते। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो बताएं, क्योंकि टॉपिक चेंज करने जा रहे हैं, सवाल यही रहेगा, पैटर्न बदल जाएगा। बताइए आप लोग, आप लोग कमेंट कर बताइएगा, टॉपिक यही रहेगा, पैटर्न थोड़ा सा बदलेगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए तब आगे देखते हैं। अगर दे दिया जाए 0.34 चार के ऊपर बार, तब इसको भिन्न में बदलिए। यह सवाल जिसको समझ में आ गया, यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस तरह का जब सवाल आएगा आपके सामने जी, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे, पहले पूरा लिखेंगे 34, ध्यान समझिएगा, 34 पूरा लिखेंगे, माइनस इसमें किस पे बार नहीं लगा था सोलह के पहले, 3 पर, 3 को घटा देंगे, पूरे का बटा लिखेंगे, इतने अंक पे बार है, एक अंक पर, इसका 9 लिखेंगे, दशमलव तक कितने बार नहीं है, 3 पर, इसका 0 लिखेंगे, ये हो जाएगा 31/90, ये होगा आंसर। समझ में आया? समझ में आया आप लोग को? समझ में आ गया? फिर से बताएं, दोबारा समझाएं। दिखेगा, जैसे यहां पे आ गया 0.577 के ऊपर बार है, पहले हम 57 पूरा लिखेंगे,
माइनस किस पे बार नहीं लगा है, दशमलव के बाद कितने अंक पर बार नहीं लगा है? पांच पर, पांच घटा दे पूरे का बटा, जिस पे बार लगा उसका नौ, जिस पे नहीं लगा उसका जीरो, हो जाएगा 52/90। अभी कट के छोटा होगा 26/45। ये दो से कट सकता है, ठीक, दो से दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा 26/45। कोई डाउट यहां से? कोई समस्या नहीं है ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आठ दशमलव तीन पाँच छ के ऊपर बार है, इसको कन्वर्ट करिए। बराबर आठ सही, 356 लिखेंगे पूरा, माइनस 35/9 का 1 6 का 9, इस पे दो पे नहीं लगा है, दो जीरो, आठ सही, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 3 हो गया। अभी कटेगा, काट के छोटा कर लीजिएगा, अभी ये कटेगा 8 से ही 321/900, अभी 3 से कटेगा, अगर हम 3 से इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 1 का 3, 3 7 21, 3 3 का 900, हो जाएगा 8 से ही 107/900, 300। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इस टॉपिक का आखिरी सवाल था, ये आपको क्लियर हुआ, इसका मतलब आपने पूरी तरह से दशमलव को समझ लिया। आसान दशमलव निकाल, क्वेश्चन और ले। 0.0307 के ऊपर बार, इसको हल करिए। जैसे आप इसे हल कर लेते हैं, ये मान लेंगे हम कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बताइए क्या होगा? पहले तो हम लिखेंगे पूरा 307, 307 माइनस 30 के ऊपर बार नहीं लगा है बटे, इसका लिखेंगे 9, इसके बाद कितने अंक है? 3 अंक है, 3 0, 1 2 3, तो कितना बचेगा? 307 से 3 का कितना हो जाएगा? 277। ठीक, क्लियर। यहाँ पे 3 0 होगा। किसी कोई समस्या, कोई डाउट नहीं है? जीरो दशमलव 0.006 के ऊपर बार है, इसको हल करिए।
ये हल करिए आप लोग। ठीक क्या होगा, ये कोई घटेगा नहीं, ये हो जाएगा 6/9, 1 2 3, 1 2 3 0, छोटा करेंगे कट जाएगा, 6 का 6 15, 1/1500। ठीक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं आप, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई समस्या हो तो। आगे बढ़े, मतलब आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। एक आध सवाल और हम लगवाएंगे, उसके बाद हम ये समझ जाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। चलिए ये सवाल लगा दीजिएगा, 0.0008 है, 5 के ऊपर 12 है, इसे हल करके बताइए कितना आएगा। ये 5 है आपका, ये 5, बताइए जल्दी से क्या हो। जी हाँ, हो जाएगा 8 से ही 5 9 के बाद 1, 1 2 3, 1 2 3, कट के छोटा भी होगा, 8 से ही 5 से काटेंगे, 5 6 का 5, यह हो जाएगा 18 2 6। ठीक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मतलब इसे 8+5/18 18 8 44 ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत को समस्या अगर हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत, ठीक यही 5 है ऊपर, अच्छा 1 आएगा, 1 होगा, ठीक हाँ 1 हो, कट गया 1 हो गया, ठीक है ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, क्या किसी को यहाँ तक कोई समस्या आई, इन सवालों में किसी कोई समस्या आई? ये जो हम लोगों ने आसान दशमलव को पढ़ा, क्या इसमें आपको कोई समस्या आई? अगर आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आइए, हम लोगों को पढ़ना है दशमलव का जोड़ भिन्न घटाओ। दशमलव के भिन्न जोड़ घटाओ करने के लिए भिन्न के दशमलव के बाद अंकों को क्या करना होता है, गिने। सबसे ज्यादा दशमलव के बाद जिस अंक में अंक रहे उसे बराबर हर एक के दशमलव के बाद संख्या को पूरा करें, उसके लिए 0 का प्रयोग करें ताकि मूल संख्या का मान परिवर्तित ना हो। आइए अब हम लोग देखते हैं दशमलव का जोड़, हम लोग क्या सीखेंगे, दशमलव का जोड़ फिर दशमलव का घटाना, ठीक है। दशमलव क्या सीखेंगे, जोड़। तो आप लोग तैयार हैं सभी लोग दशमलव का जोड़ सीखने के लिए, बताइए।
हम लोग जोड़ सीख लेते हैं, फिर उसके बाद और चीज़ों को हम लोग आराम से पढ़ेंगे। फिर इसमें नई चीज़ें भी बताएंगे आपको, जैसे दे दिया जाए जीरो दशमलव पाँच चार प्लस जीरो दशमलव तीन, जीरो दशमलव सात छः आठ प्लस 74 को जोड़िए, जोड़कर आप लोग बताइए क्या होगा, जोड़कर बताइए क्या होगा। जीरो दशमलव पाँच चार, यहाँ तीन है तो जीरो दशमलव तीन के बाद हम जीरो लिख सकते हैं, यहाँ है जीरो दशमलव सात छ आठ, यहाँ है सात चार दशमलव, हमने क्या किया दशमलव नीचे दशमलव सबको ऐड कर दिया। अभी हम काम और कर सकते हैं कि सबके बराबर करेंगे, बराबर का मतलब यहाँ 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 जीरो लगा सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। अब इसे आप जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आठ होगा, छः चार दस होगा, सात पाँच तीन सात, पाँच तीन आठ सात पंद्रह, एक इधर सोलह, यहाँ जीरो जीरो चार एक पाँच दशमलव होगा, फिर यहाँ पे होगा सात। ठीक है, कितने लोग का आया था, जितने लोग का आया था उन लोग के क्या है सही है। ठीक है, जितने लोग के आंसर आ गए थे उनके क्या थे जोड़ सही थे। अगला का योगफल होगा, का योगफल होगा, का योगफल होगा, बताइए का योगफल क्या होगा। आपके सामने सवाल है, 444 प्लस 0.4, 0.44, 0.444 का योग होगा, का योग होगा, सभी लोग हल करके बताइए क्या होगा। क्या होगा इसके लिए हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 444 इसको हमने लिख दिया, ठीक, यहाँ दशमलव चार है इसके लिए दशमलव के बाद जीरो 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 लिख सकते हैं, इसके मन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चार दशमलव चार यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा जीरो दशमलव चार, ये हो जाएगा जीरो दशमलव चार चार, ये हो जाएगा जीरो दशमलव चार चार चार, हम लोग इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए देखिए हमने एक चीज देखा था, यहाँ पे ये जीरो लिख सकते हैं क्योंकि मान में कोई परिवर्तन होगा, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में सीख लिया था। इसे जोड़ना है, जोड़ना हमेशा किधर से होता है, दाईं तरफ से, ये हो गया चार 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 आठ,
ये चार तीन 12 है, दशमलव, 4 1 5, फिर 4, फिर 4, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये सब क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट बार देख लीजिएगा, क्या क्लियर हुआ सबके? ये हुआ ना क्लियर? कोई दिक्कत? आप पहले घटाना सीख लेते हैं, फिर हम जोड़ को सीखते हैं दोबारा। एक बार हम लोग घटाना सीख लेते हैं, सबट्रैक्शन सीख लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। सबट्रैक्शन घटाना भी सेम ऐसे ही होता है, उसके मिली जुले टाइप के लग पड़ते हैं। इसे देख लें, यहाँ पे हमने -0.83456 सो सबट्रैक्ट करके बताइए कितना आएगा, बताइए क्या होगा? बताइए आप लोग क्या आएगा? जी हाँ, लगभग आपको आंसर सही आ रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग 8.35600, यहाँ पे दशमलव लिख दिया हमने, फिर 8 3 4 5 6। हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि किसी दशमलव नंबर के बाद हम चाहे जितना भी जीरो लिख दे, उसके मान उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये 10 में 6 गया 4, यहाँ बच्चा 9 में से 5 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 3 गया 2, यहाँ बच्चा 3, 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 में से 8 गया 5, 8 में से 1 बचा यहाँ पे 7। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। क्या आप लोग को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं? अब हम लोग जिसे जो पढ़ेंगे वो जोड़ घटाना एक साथ मिक्स तरह के प्रश्नों को पढ़ेंगे, जहाँ पे जोड़ और घटाना दोनों एक में कंबाइंड होंगे, दोनों इसमें मिक्स होंगे, अलग नहीं होंगे। बताइए हो गया ना? चलिए अभी हम लोग को जरा ये बताइए, तो इसको हल करके आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए इन दोनों माइनस को एक साथ जोड़कर इसमें से घटा सकते हैं, या इसमें से इसको घटाइएगा फिर जितना आगे इसमें घटाइएगा। ये दो तरीका आपके पास है, दोनों तरीके के माध्यम से इस सवाल को आप लगा लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। जैसे आप हल कर लेंगे हम ये टॉपिक तुरंत चेंज कर देंगे। दिल्ली से बताइए क्या आएगा, इसे आप लोग चेक करिएगा, आंसर को अपना चेक कर लीजिएगा, आप आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है? जिन्होंने आंसर टाइप करके बताया उनके आंसर गलत है, एक बार चेक करके दोबारा हल करिएगा, क्योंकि जब भी आएगा इससे कम ही आएगा ना, 43 है, ये दोनों घटेगा लगभग 9 4 13 घटेगा, तो ये लगभग कम ही होगा ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, आइए यहाँ पे इनके ये टॉपिक हो गया था दशमलव का जोड़, एक जोड़ का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया था, इस जोड़ को आप लोग जोड़ लीजिएगा,
इसका एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं इसके गुणा और भाग को पढ़ते हैं। गुणा भाग पढ़ने के साथ एक महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताएंगे, इसमें आरोही और अवरोही क्रम को देखने में एक बड़ी समस्या सामने आती है। अगर थोड़ी सी मेहनत आप लोग कर देंगे तो वो आरोही अवरोही का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम पूरी तरह से क्लियर कट हो जाएगा, एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका आरोही अवरोही क्रम में, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खूब ध्यान समझिएगा। जैसे अगर दे दिया जाए कि 0.34 और 0.036 में कौन बड़ा है, कैसे जानेंगे? कैसे पता कौन सा बड़ा है? मैं एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आप समझ लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे पता चले कौन बड़ा है। सही गलत आप चेक कर लीजिएगा ना, क्योंकि हमने क्योंकि हम प्रश्न देखिए किताब से नहीं दे रहे हैं ना कहीं से दे रहे हैं, क्योंकि प्रश्न अपने स्वयं बनाकर आपको दे रहे हैं। जब प्रश्न हम स्वयं बनाकर देंगे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उत्तर आपको मिलाना पड़ेगा, हल कर लीजिएगा, आप लोग गलत नहीं लगाएंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं, इसको एक तरीका है। इन सभी को हम बदलेंगे पहले भिन्न में, ये बदल गया, ये हो गया 100, ये क्या होगा इसका बट्टा 1000। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हम बदलेंगे भिन्न में। भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे, इनका बटा 100, इनका बटा 100, दोनों का बटा हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। दोनों का बटा 100 लिखने के बाद एक बात, एक समस्या हमारे और आपके सामने आएगी, वो ये आएगी कि हम लोग यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा दें, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा दें, ये भी 3 जीरो, ये भी 3 जीरो। तो हमने देखा इन दोनों के हर आपस में बराबर हैं। जब हर आपस में बराबर होते हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी, ये हो गई 340 और ये हो गई 36। तो बताइए 36 बड़ा है कि 340, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, 36 बड़ा है कि 40, 36 बड़ा है कि 40। इसका मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया, इसलिए ये भिन्न क्या होगी आपकी, बड़ी होगी। क्लियर, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ? चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं नए प्रश्न से। यहां पे दे दिया जाए 0.8 और यहां पे दे दिया जाए 0.0976। अब पूछा जाए द्विमुख में से कौन सा बड़ा है, कमेंट करके बताइएगा कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। बताइए कौन सा बड़ा है, इसको पहले हम दशमलव बदलेंगे, इसे लिख सकते हैं 8/10, इसे लिख सकते हैं 976/1 के बाद 4 जीरो। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, क्योंकि यहां दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव जगह 1 लिखते हैं, जितनी संख्या होती है उतने लड्डू चढ़ा देते हैं नीचे, उतने लड्डू लिख देते हैं।
अब इसको भी चार जीरो, इसको भी चार जीरो, दोनों को बराबर करना है। यहाँ पे चार जीरो, ऊपर भी चार जीरो करना है। यहाँ एक है तो एक दो तीन जीरो बढ़ा दिए, चार हो गया। ऊपर भी एक दो तीन जीरो बढ़ा दिए, तीन जीरो ऊपर तीन जीरो नीचे, अंश हर में समान जीरो बढ़ा देंगे। अब दोनों भिन्न का हर आपस में बराबर है, अंश देख लेते हैं। एक का अंश आएगा 8,000, दूसरे का आएगा 976। 8,000 बड़ा एक 976, 8,000 बड़ा है कि 976, 8,000 बड़ा एक 976। इसका मतलब ऊपर दिया गया भिन्न ये आप बड़ा है इसके अपेक्षा। इसके कॉन्सेप्ट क्लियर? एनी डाउट? एनी समस्या आपको? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। चलिए अब हम इसके तीन डिजिट की तरफ बढ़ेंगे। अब दो डिजिट हो गया, अब हम तीन डिजिट की तरफ चलते हैं। जैसे दे दिया जाए, चार दशमलव तीन पांच, चार दशमलव जीरो तीन सात, चार दशमलव तीन। निम्नलिखित में सबसे छोटा है, आरोही क्रम में लिखिए। सीधी सी बात, आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। इस तरह से लिखिए। हल करके बताइए जल्दी से। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक नियम सीखा है, उसी नियम के अनुसार हम इनको हल करेंगे। उस सवाल को हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये चार दशमलव तीन पांच को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 100। 100 क्यों होगा? इसके दशमलव के बाद दो जीरो, दो जीरो बढ़ा देंगे फिर काम। फिर चार जीरो तीन सात है, दशमलव जगह एक, उसके बाद तीन जीरो फिर काम। चार दशमलव तीन है, इसके 23/10 ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे यहां पे सबसे जीरो कहां पे, यहां तीन जीरो है, इसका मतलब सबको तीन जीरो बनाना है। सबको तीन जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक जीरो यहां बढ़ा देंगे, एक जीरो यहां बढ़ा देंगे, यहां पे दो जीरो बढ़ाएंगे, यहां पे भी दो जीरो। अब ऊपर वाला बचा 4,350, 4,037 और 4,300। सबसे छोटा क्या है? 4,037। माने पहले पे क्या होगा? ये होगा 4,037 से बाद 4,300 बड़ा 4,350, 4,350 क्यों 4,300? ये है कि ये है, तो ये हो गया दूसरे और ये हो गया। माने यह बीच वाला पहले पे, ये दूसरे पे और ये तीसरे। समझ में आया आप लोग को? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? आगे बढ़े तब। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां समझ में आ जाए एकदम? इससे आसान ट्रिक आपको कभी नहीं मिलेगी, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। परीक्षा में आएगा, अपने बुकलेट पे आप ऐसे करके आप तुरंत ये जान लेंगे कौन से भिन्न बड़ी है, कौन से भिन्न छोटी है, कौन से भिन्न किस क्रम पर आएगी, कौन सा दशमलव किस क्रम पर आएगा। ठीक है?
आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोग चार यूनिट को लेते हैं, जैसे 9.43, 9.008, 9.34, 9.406 को अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम क्या होगा? ये डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे आप कहते हैं, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, इसी क्रम में लिखेंगे, इसे आप घटते हुए क्रम में कहते हैं। आराम से इसे हल करिए और हमें ये बताइए कैसे होगा ये। जल्दी से बताइए आप लोग। बताइए क्या होगा, क्लियर करिए, आंसर दीजिए आप लोग। क्या किया था हम लोग को, बस यही जानना था। यहाँ पे जो प्रश्न था ये हम लोगों ने देखा, हल किया और वही क्रम में लिख लिया। उसके बाद ये प्रश्न हम लोगों को क्या करना था, ये था प्रश्न आपका, इनमें सबसे बड़ा कौन सा वो जानना था। हमने सबको दशमलव को जिस तरह बदल दिया उस तरह बदल दिया। यहाँ पे हमने देखा सबसे बड़ा चार जीरो, यहाँ पे हर अंश में चार जीरो है, सबके अंश को चार जीरो बना दिया। अच्छा अंश में, अच्छा इसमें ज्यादा हो गया है, 1, 2, 3, हाँ 1, 2, 3, ठीक है ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, आसानी से हल कर लिया, ये 96.80 हो गया, 9000 हो गया, 97.100 हो गया, 995, उसमें सबसे बड़ा 97 हो गया, ठीक है 97.100 सबसे बड़ा हो गया। अब हम आते हैं इससे जुड़े हुए अन्य प्रश्नों को हल करते हैं। अब हम लोग इसके गुणा भाग को पढ़ लेते हैं, इसका गुणा कैसे हल करते हैं, इसका गुणा कैसे हल करते हैं वो जान लेते हैं हम लोग। पहले गुणा करने का तरीका इसका एकदम बेहद आसान है। कह रहा है कि दशमलव भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। किसी पूर्णांक संख्या को दशमलव भिन्न की यदि गुणा करने को कहा जाए, दशमलव भिन्न को एक संख्या मानकर पूर्णांक गुणा कर दें, पुनः दशमलव भिन्न के जितने अंक बाद दशमलव का चिन्ह हो प्राप्त परिणाम में उतने अंक के बाद दशमलव डाल दे, उतने अंक के बाद दशमलव को लगा दे। जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे दिया है, यदि देखिए दशमलव था, माना जब भी गुणा करें माना दशमलव नहीं था, तो नॉर्मल गुणा किसे करते हैं, पूर्णांकों गुणा से पूर्णांकों गुणा कर लेंगे। यहाँ पे पूर्णांकों गुणा किया गया, गुणा करने के बाद यहाँ पे जो मान प्राप्त हुआ उस मान में जितने अंक पे दशमलव था उतने अंक पे दशमलव आप हमने लगा दिया, उतने पे जब दशमलव लग जाएगा तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई समस्या नहीं है? ठीक, इससे क्या होगा, आपको दिए गए प्रश्नों का उत्तर आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर उसके बाद हल करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें भी यहाँ से छोटी छोटी चीजें हम लोग को पढ़नी है। छोटी चीजें में से क्या पढ़नी है, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 0.2 × 0.03 का गुणा करेंगे तो क्या होगा। पहले इसका गुणा एकदम नॉर्मल गुणा करते हैं, नॉर्मल गुणा का मतलब ये मान के करेंगे कि 2 × 3 होता तो क्या करते हैं, 2 × 3 होता क्या लिखते हैं, यहाँ पे 6 लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग 6, वैसे लिखेंगे 3 × 2 = 6। अब यहाँ पे कितने अंक, 2 और 3 अंक हो तो 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 अंक 2 अंक, क्या अंक हो गया 1, 2, 3 अंक पे दशमलव हो गया, दशमलव लगा के फिर 0, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया दोबारा बताए, समझ में आ गया है दोबारा बताए कमेंट करके, आप लोग जो लाइव है वो कमेंट करके बताएं समझ में आ गया कॉन्सेप्ट।
चलिए जैसे आप दे दिया जाए, अब क्या करेंगे बताइए, अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए माना दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं, 9 × 5 करेंगे क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45। अब दशमलव गिन लीजिए कितने अंक पर है, ठीक है, तो कितना मिला, एक एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, ये 2 ही अंक है, क्या करेंगे, एक अंक दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे कुछ कॉमन चीजें हम आपको बताने जाएंगे, कॉमन चीज जो हमें सवाल के रूप में जिसको यूज करना है, जिस सवाल के रूप में जो हमें मिल सकता है उनका हम लोग यूज करेंगे, उनका हम लोग प्रयोग करके देखेंगे ये कैसे हल होंगे, कैसे सॉल्व होंगे, कैसे लगेंगे। जैसे हम गुणा कर रहे हैं, अगर वन डिजिट में हो, गुणा कर रहे हो वन डिजिट में, वन डिजिट का मतलब जैसे यहाँ पे है 0.357 गुणे करे हैं 100, तो क्या होगा, जब भी गुणा करते हैं समान से, जब 100 के मान से गुणा करते हैं, तो हमें प्राय एक चीज का ध्यान रखना होगा, हमें क्या आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि दशमलव दाई तरफ घिसकेगा, किस तरफ, दाई तरफ, दशमलव किधर घिसकेगा, दाई तरफ घिसकेगा, दाई तरफ कैसे खिसकेगा, आइए हम लोग देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं दशमलव को हम दाई तरफ कैसे खिसका सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे ये 0.357 यहां लिखेंगे 357, वैसे ये 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए, कुल कितने में दशमलव यहां है, 1, 2, 3 अंक, 3 अंक। या तो इसका एक सिंपल तरीका है, अगर 2 जीरो है दशमलव 2 अंक खिसक कर कहां चलाएगा, यहां चलाएगा, इसका मतलब 35.7 हो जाएगा। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आगे बढ़ते हम लोग, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये मेथड क्लियर हुआ। अन्य दूसरा मेथड हम लोग लेते हैं, जैसे 0.03 × यहां पे 0, अब क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए कैसे हल करेंगे। एकदम सिंपल तरीका है यार, ये दशमलव पहले लिख देंगे 3, कितने 0 है, कितने 3 लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, कितने में दशमलव, 2 अंक, 2 में दशमलव लगा दिया, अब जो बचा वो हमारा आंसर हो, मतलब 3000 आपका आंसर। ये था गुणा करने का नियम, सामान्य तौर से गुणा करेंगे, टोटल अंक जोड़कर दशमलव लगा देंगे, जो प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक। आगे देखते हैं, अब आते हैं भाग के बारे में जानते हैं, भाग क्या होता है, दशमलव भिन्न का भाग। अगर किसी दशमलव भिन्न में पूर्णांक से भाग देने को कहा जाए तो साधारण भाग की क्रिया करें, और यह क्रिया करते समय जब भिन्न दशमलव में पार प्रवेश करना पड़े तो दशमलव डाल दें, जैसे यहाँ पे। आइए इसमें भी हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सवाल दिया है, अगर दशमलव भिन्न, यहाँ पे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग, अगर दशमलव भिन्न में पूर्णांक से भाग दे रहे हो तो दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद जितना अंक है पूर्णांक को उतना शून्य डाल दे, दशमलव भिन्न दशमलव हटा दे, साधारण विधि द्वारा संपादित कर ले, ये भी सरल तरीका। जैसे यहाँ पे दशमलव बाद 7, 5 है, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दे, उसके बाद भिन्न को हल करें, यह भी तरीका है।
यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव भिन्न से भाग करना हो तो हर दशमलव हटा ले, जितने अंक बाद दशमलव एक अंक पर। देखिए आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये सब कैसे हम लोग हल करना है, इन सभी तथ्यों को जान लेंगे और हल कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जैसे यहां पे दे दिया जाए 0.43 है, इसको लिख सकते हैं हम 43/100। क्यों लिख सकते हैं? दशमलव जगह एक उसके दाईं तरफ जितने अंक उतना जीरो लिखेंगे, इसलिए ये समझ में आया। दूसरा है जैसे 4.57.6, इसे लिख सकते हैं 45/76/10। सही है, ये सही है यहां तक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे अगर यहां पे 1/3.42 हो तब क्या करें, यही मुझे सिखाना है। 1/3.42 हो तब क्या करेंगे? बताइए, ये ऊपर ध्यान से देखिएगा, इस तरह के सवाल में, इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, जितना दशमलव से 1/342 लिख लीजिए, जितना अंक उतने पर ऊपर दो जीरो बढ़ा दीजिए। या इसका दूसरा तरीका क्या है, ये 1/3.42 को जब हटाएंगे गुणा करेंगे, दशमलव जगह एक लिखेंगे, दाएं तरफ दो संख्या दो जीरो से, ये हो जाएगा 100/342। क्या हो जाएगा? 100/342। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मैं सिखा रहा हूं आपको, जब इसका प्रयोग करना होगा, जब ट्रिक यूज करेंगे तब डायरेक्ट हम लगा देंगे आपको आंसर, ये कहां से आया। तो ये बेसिक है, ये पूरा अगर आप सीख लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहां पे नौ बटा 3.85 कैसे लिखेंगे इसे, मतलब अंश के दस, इसके दशमलव हटाने के लिए यहां 3.85 है तो ऊपर दो जीरो बढ़ा दे, 900/350। क्लियर, कोई डाउट? अब आइए यहां पे इसको हल करिए कैसे होगा, यही आपको हमें समझाना था। यहां पे 3 अंक पे दशमलव है, यहां पे 2 अंक, बताइए क्या करेंगे? इसको लगाने का दो तरीका है, कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, इसका लगाने दो तरीके, दो तरीका बता दे रहे हैं हम, 43/56/100, यहां पे 2 अंक पर दशमलव है, एकदम इजी तरीका बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। इसका दशमलव काटने के लिए ऊपर 3 जीरो बढ़ेगा, 1, 2, 3, इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 जीरो बढ़ेगा, अभी दशमलव खत्म। ये 2 जीरो से कट गया, बचा क्या आपका 43/56 के बाद 1 जीरो, नीचे 83/69, ये आपका बचा। क्या आप इतना लगाने जगह क्या इतने में भी हल कर सकते थे? क्या इस सवाल को यहां भी हल किया जा सकता था? कैसे, आइए देखते हैं। हम इसको 2 अंक दाईं तरफ ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे? दाईं तरफ। जब इसको 2 अंक दाईं तरफ ले जाएंगे, क्या दशमलव इसका खत्म हो जाएगा, बचेगा?
अगर दशमलव दाईं तरफ आ जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा ना, इसका मतलब दशमलव खत्म। इसको भी दो अंक खिसकाएंगे, दोनों को दो दो अंक खिसका देंगे, बात को ध्यान समझिएगा, दोनों को दो दो अंक खिसका देंगे। नीचे वाला भी एक अंक बचा है, इसका जीरो कहां चढ़ा देंगे ऊपर, तुरंत आपको उत्तर मिल गया 43/56/83/69। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? रिपीट करें, चलिए दोबारा रिपीट करते दूसरे पेज पे। सवाल लेते हैं हम लोग, 3.374/4.2 बताइए, 3.374/4.2 इनको आपको हल करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? इसी को हल करिएगा। पहला मेथड तो मैंने आपको बता दिया है, कैसे? इस तरह से 37 ऊपर क्या होगा, नीचे का 2 जीरो ऊपर, ऊपर का 3 जीरो नीचे, 2 जीरो 2 जीरो से कट गया, 37/74 ये हो गया, ठीक। अब यहां पे 2 अंक पे दशमलव है, यहां पे 3 अंक पर है। अगर इस दशमलव को हम यहां खिसकाएंगे, दशमलव कहानी खत्म, ये भी 2 अंक खिसका दिए, 2 अंक आया यहां हो गया। अब इस पे अभी 1 अंक पे दशमलव बचा है, इसका खत्म, इसका संति 0, यहां बढ़ा दे, क्या मिला 37/74/42.10। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं हुई ना? और आगे बढ़ते हैं, इसके अन्य टॉपिक के अन्य तथ्यों को भी देखेंगे और जानेंगे हम लोग, इसके क्या क्या अन्य टॉपिक है, क्या क्या अन्य समस्याएं हो सकती हैं, कैसे उसका निराकरण होगा। यहां तक कोई दिक्कत या समस्या नहीं आ रही आप लोग को ना? अगर आ रही हो तो पूछ लीजिए कमेंट करके, हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, और जैसे यहां पे जैसे 0.43 है, ये सवाल कैसे लगेगा? बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करते हैं आप इसका उत्तर लगा लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बात ध्यान समझिएगा, ऊपर कितने अंक पे दशमलव है, 3 अंक, नीचे भी 3 अंक, तो दशमलव दशमलव से कट गया। अब क्या बचा आपका 46938/43, बस काम खत्म, काम खत्म आपका। समझ में आया? 3 अंक का दशमलव ऊपर था, 3 अंक का दशमलव नीचे था, तीनों अंक दशमलव क्या होंगे, कट गए।
ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। साक्ष्य, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये सवाल कैसे हल होगा? बताइए, कुछ नहीं करना है। अभी हमने क्या सीखा कि चार अंक पे दशमलव यहां भी है, चार अंक पर यहां, तो दशमलव दशमलव से कैंसिल हो जाएगा 76/26। ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब ऐसे प्रश्न में आपकी गलतियां नहीं होंगी। अब एक छोटा सा टॉपिक, दूसरा तरीका है, वो देख लेते। जैसे 0.46 में गुणा करना है 1000 से, और फिर 0.46 में भाग देना है 1000 से। दोनों के मान क्या होंगे कमेंट करके जवाब दीजिएगा। यहां पे भी मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं। जब हम गुणा करते हैं तो ध्यान रहे, जब हम गुणा करते हैं तो दशमलव दाई तरफ जाता है, जब हम भाग करते हैं दशमलव बाई तरफ आता है। ध्यान देखिए, गुणा करने पे दशमलव किधर जाएगा? दाई तरफ। भाग करते हैं तब बाई तरफ। इसका मतलब ये है, यहाँ यहाँ क्या लिख देंगे, ये दशमलव यहाँ है, ये खिसक के कहाँ जाएगा? 1, 2, 3 0 है, 3 अंक खिसक जाएगा, मतलब 4, 6, 0 दशमलव। भाग देंगे 46 लिख दिया, ये दशमलव 2 अंक पे है, ये 3 0 है, 3 अंक और बाएं खिसकेगा, माने 1 0, 2 0, 3 0 जहां है, मतलब 0.0046। दोनों के प्रश्न में कितना बड़ा अंतर मिला? बताइए। समझ में आया कैसे होगा? ये हो जाएगा 0.46 बटा क्या है, 1, 2, 3। अगर इसे भिन्न में बदलना होता तो ये हो जाता 46/1, 2, 3 है, 5 हो जाता। अब इसे दशमलव में बदलना होता तो 46 लिख देते, कितना जीरो है, 2, 3, 5 0, 5 अंक दशमलव लगेगा, 2 ही अंक है, 3 अंक और लगाएंगे, दशमलव लिखेंगे। इस प्रकार देखा कि 3 अंक था तो दशमलव 3 अंक बाएं तरफ खसकेगा, मतलब ये हो गया 4, 6 है, तो 1 0, 2 0, 3 0, दशमलव 0, मतलब भाग दिया तो दशमलव बाई तरफ खिसका, और गुणा किया दशमलव दाई तरफ खिसका। मुझे बस यही बताना था कि गुणा करने पे दशमलव दाई तरफ खिसकता है, भाग करने पर दशमलव बाई तरफ आता है, गुणा पे दाई तरफ और भाग पे बाई तरफ। बस इतने आपको समझाना था। आइए एक आध प्रश्न और लेते हैं हम लोग। यहां पे दशमलव है,
यहाँ पे घोड़े 100 है, सेम प्रश्न है, 6 3 5, यहाँ पे भागे 100, दोनों को हल करिए। यहां पे दशमलव गुणा करेंगे दाईं तरफ जाएगा, भाग करेंगे तो बाईं तरफ, बस इतने बात आपको रखना है। गुणा करने पे दशमलव दाईं तरफ, भाग करने पे दशमलव बाईं तरफ, इतना जिसको पता हो गया वो इस प्रश्न को हल कर ले। यहां पे गुणा किए हैं, दशमलव कूद के 2 और 0 है, तो 2 अंक कूद कर कहां चला जाएगा, यहां चला, मतलब 9 10 9 8 8 6 3 5, 2 0 है, 2 अंक पे आ जाएगा दाईं तरफ, मतलब 10 यहां लग जाएगा। बस भाग करेंगे 9 8 8 6 3 10 यहां था, भाग कर कहां चलाएगा, 2 अंक पे, 2 लड्डू है यहां, मतलब यहां गया। एक उत्तर, दो, ये भी आंसर, ये भी आंसर। गुणा किए तो दाईं तरफ गया, और भाग करेंगे तो लेफ्ट, बस इतना ध्यान रखना, जितना 0 होगा उतना दाएं या बाएं की तरफ जाए, जितना 0 होगा उतना अंक दाएं या उतना अंक बाएं जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या कोई डाउट है अभी मन में आपके, बताइए। ठीक, एक आध प्रश्न आप लोग और कर लीजिए तब। एक सवाल हो गया, दूसरा सेम सवाल ये है, बस इन्हीं को आपको हल करके बताना है। सेम प्रश्न को हल करना है, दशमलव एक यहां पे है, एक दशमलव यहां, क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसका दशमलव दाईं तरफ किसके कितना 0 है? 1 0 2 0 3 4, 4 अंक किसके कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। इसके बाद कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, 9 3 4 5 7 8 9, यहां पे कहां जाएगा? 1 2 3 4 है, इसका मतलब खिसक कर बाईं तरफ आएगा। तो बाईं तरफ खिसकेगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 0 कितना 4 अंक, तो 4 अंक नहीं है, एक लड्डू चढ़ा के तब दशमलव लगाएंगे, माने 0 0 9 3 4 5 7 8 9, ये होगा आपका आंसर, ये क्या होगा आपका उत्तर। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट, कोई समस्या? अब थोड़ा सा स्थानीय मान 1 मिनट देख लेते हैं, 2 मिनट का चैप्टर है स्थानीय मान। जैसे दे दिया जाए जीरो दशमलव 9 3 5 4 का स्थानीय मान, अलग अलग का स्थानीय मान, तो देखिए 4 कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 4 × 1/10 या 0.4, एक अंक पर है 0.4। दूसरा इसका निकालना है, ये 5 हो गया गुड़े 5/100, क्योंकि देखिए 2 अंक पर है, सॉरी उल्टा हो रहा है, 1 मिनट,
यहाँ से हल होगा, ये उल्टा चलता है ना यहाँ से, ये 9 से होगा, एक मिनट रुकिएगा, 9 से होगा, ये 9 गुणे 1/10 माने 0.9, ये देखिए 3 का, 3 गुणे 2 अंक पे 1/100, ऐसे डायरेक्ट ले सकते हैं 0.03। 5 का, 5 गुणे 1/100 बराबर 0.0, 100 ने 1000 होगा, 1005। 4 का देखिएगा, 4 गुणे 1/ कई अंक होगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 माने 0.0004, 4 अंक पे दशमलव हो गया, 4 लड्डू। इस प्रकार हम दशमलव का स्थानीय मान निकालते हैं। ऐसे कोई डिजिट का पूछ दिया जाए, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं नए पेज पे, इसे यहाँ पे पूछ दिया जाए 0.9836, इसी भी अंक का, जैसे 8 का स्थानीय मान निकालना है तो 8 के अंक पे 2 अंक पर है 0.08, 6 का निकालना है तो 6 लिख दीजिएगा, 1 2 3 अंक है, 3 जीरो लगा दिया, दशमलव लिख दिया, ये 6 का हो गया, ये 8 का हो गया। 3 का निकालना है 0.003, 3 के पहले कितने 2 अंक है, ये डायरेक्ट आप स्थानीय मान निकाल सकते किसी भी दशमलव संख्या का। 9 का पूछा, 9 एक अंक पे है तो सीधा सीधा 0.9, बस आंसर। इस तरह आप कहीं भी कोई भी संख्या दिया गया हो आसानी से दशमलव में आप आसानी मान स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जाति मान तो स्वयं संख्या होती है, 6 का जाति मान 6 होगा, 3 का 3, 8 का 8, 9 का 9, ठीक। ये था स्थानीय मान और जाति मान, ठीक। आज का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ लिया, दशमलव से जुड़ी हुई चीजें, इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग स्ट्रक्चर ये सभी चीजें थी, और आप लोगों ने इस सब सारी चीजें देख लिया, सारी चीजें हम लोगों ने आज पढ़ लिया है, ठीक। इसमें से कोई चीज ऐसी हो जो आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। इनसे जुड़े प्रश्नों को भी हल कर लेंगे, यहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा, और हम आपके साथ हैं, साथ थे साथ हैं, साथ रहेंगे भी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ये आज की क्लास खत्म होती है, कल हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे, ठीक है।